फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स अभी मैं स्कूल जाने के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद। अभी बज चुके हैं सुबह के 8:03 के आसपास, मैं स्कूल से आ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। Many hours later. फ्रेंड्स अभी मैं स्कूल से पढ़ के आ चुका हूँ और अभी आ चुका है हमारा लंच। लंच में बने हैं कड़ी चावल और आज भी मम्मी शॉपिंग पे गई हुई है तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगी, तब तक हम फटाफट से खाते हैं अपना लंच। वापस बता दूं लंच में बने हैं कड़ी चावल। 15 minutes later. So friends, अभी मैंने लंच कर लिया है। लंच में जैसे आपको पता है कड़ी चावल बने, तो अब मैं खा रहा हूँ गाजर का हलवा। तो वो इसको इसमें करके माइक्रोवेव में गर्म करके खाएंगे गाजर का हलवा। A few inches later. So friends, अभी मैंने गाजर का हलवा खा लिया। देखो हेलो बोल सर, बिग फैन सर, एक बार मिलो सर, एक बार मिलो, दो दिन से खाना नहीं खा रहा। आराम 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 प्लीज सर, प्लीज एक बार हाथ आगे। हां भाई ले ले, तू हाथ मिला ले पार्क में आ गया था, पर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई, तो मतलब आज बैडमिंटन खेल नहीं पाएंगे क्योंकि कोर्ट पूरा गीला है। अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बस बारिश अभी तेज हो रही है। अभी हम शेड में जा, तो अभी हम जाएंगे और शेड में बैठ जाएंगे क्योंकि बारिश तेज हो रही है। चलो शेड में चल रहे बड़ा बड़ चलो। One eternity later. सो मैं पार्क से घर पे खेल लिया, अब हम जा रहे हैं वापस से घर, कि घर पे सब कह रहे हैं गेस्ट आए हुए तो मैं देखते मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या हुआ ऐसा कि अभी मैं पार्क से घर पे आ रहा था तो मम्मी का फोन आया कि घर पे सब बुआ वगैरह आ गई। मैं कहा बुआ वगैरह आ गई, बुआ ताई जी ये सब लोग आ गए, इसलिए मैं भाग के फटाफट से आ गया। तो बस चलिए घर तक, बस मैं लगभग पहुंच चुका हूँ, अब फिर उसके बाद चलते हैं घर, सबसे मिलेंगे, फिर आपको भी मैं सबसे मिलवा दूंगा। हो पैदल जा रहा हूँ, साइकिल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। सब लोग क्या है पार्क से चले गए। हमारी गली में दो रास्ते थे, एक तो घर जाता है एक पार्क जाता है, वो वहाँ से सीधा पार्क चले गए, मैं यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, बस पहुँच गए। तो मैं सभी पहुँच चुका हूँ। अरे शोर क्यों हो रहा है इतना, हो गया क्या सब? खोलो। नमस्ते बुआ, नमस्ते दाई, नमस्ते बुआ जी। तो अभी सब बुआ आ गई है, गार्डन वाली बुआ मेरी ताई जी। सुबह सब बुआ बुआ जी ताऊजी वगैरह सब ताई जी वगैरह सब जा रहे हैं। तो बस अभी बाय, शीशा खोलने वाला मिरर। तो बस चलिए अब हम भी चलते हैं अंदर और करते थोड़ी देर पढ़ाई। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So friends, तो बुआ के जाने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई कर ली थी, अब मैंने पढ़ाई खत्म कर ली है तो अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन। ट्यूशन जाने के बाद आज भी मम्मी और शॉपिंग से लेट करके आई थी, तो आज भी डिनर बाहर से आएगा, तो जब आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन। ट्यूशन जाने के बाद बाबा को शेव भी करा के लानी है, तो देखते हैं मार्केट जाते हैं कि नहीं। ऊपर से बाबा की दवाई भी लानी खत्म हो गई, सारे काम करते हैं अभी फटाफट चलते हैं पहले ट्यूशन। सो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, तो बस चलिए अब चलते हैं घर के अंदर करते हैं डिनर। तो चलिए चलते हैं, मम्मी के उनसे पूछते हैं डिनर में। मम्मी डिनर में क्या बनाया आज? तो बाहर से सब्जी ली है, आज भी थकन हो रही थी इसलिए। अच्छा ये क्या पनीर, ये कौन सी है? चाप। और ये रोटी और ये प्याज, कितने दिन चलेगा हमारे से बाहर का? थक गया मैं खा के। आज लास्ट नहीं हो? हाँ, आप शॉपिंग कंप्लीट। मेरा भी बहुत मन था जाने का, वीडियो बनाने का। अब कल स्कूल जाऊंगा तो यही सब्जी रख देना, थोड़ी बच गई ना, मजा आ जाएगा कल स्कूल में। चलो ठीक है। तो देखिए ये आ चुका है हमारा डिनर। डिनर में बनी है रोटी, पनीर की सब्जी, चाप और ये प्याज। ये सब बाहर से आया है क्योंकि मम्मी अब शॉपिंग में गई हुई थी, तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अपना डिनर। One eternity later. तो अभी मैंने डिनर कर लिया है, डिनर में काफी ज्यादा मजा आ गया क्योंकि बाहर का खाना था। उसके बाद अभी बाबा कह रहे कि आज ट्यूजडे है ना, जैसे कि ये ब्लॉग तो शायद एक दिन लेट आएगा, एक या दो दिन लेट आएगा आज ट्यूजडे वैसे तो, पर बाबा ने मना कर दिया कि ट्यूजडे को हमारे पे मार्केट बंद होती है। तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट बाबा की दवाई लाने के लिए, केमिस्ट तो खुली होती है, अगर वो बंद होगी तो थोड़ी दूर से ले आऊंगा। तो बस चलिए फटाफट चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं बाबा की सारी दवाइयां।
5 minutes later. So friends, okay, मैं इसके दुकान पे तो पहुंच चुका हूं। मैंने दवाई का ऑर्डर दे दिया, तो बस लेते फटाफट से दवाई और चलते हैं घर। दवाई लेके आ चुका हूं। बाबा लो दवाई, लो दवाई, लो। A few moments later. बाबा कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि लोगों अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में बताएंगे। अब वो पूछ रहे कि ताऊ जी का जयपुर में क्या काम है। अच्छा, कैमरा, कैमरा का काम है, कैमरा उसके ट्राइपॉड वगैरह का। और लोग पूछ रहे थे कि ताऊ जी जयपुर में क्यों काम करते हैं। अच्छा, वो तो ताऊ जी को अलग से हटके काम करना था। सीन क्या था, ताऊ जी को सबसे अलग हटके काम करना था, इसलिए ताऊ जी गए थे जयपुर काम करने के लिए। अब वो प्लानिंग बना रहे हैं दिल्ली आने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कमेंट आया था इसमें सुनीता मल्होत्रा जी का कि बाबा की क्या आज है। बाबा एज क्या है किसकी? आपकी 76। 67, तो 67 बाबा की एज है। ताऊ जी का जयपुर में काम है, एल्बम वगैरह का। ताऊ जी का कुछ अलग हटके काम करने का मन था, इसलिए ताऊ जी गए थे जयपुर काम करने के लिए, और वो दिल्ली आने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये कमेंट था सुनीता मल्होत्रा जी का। और एक कमेंट था कविता ए जी का, पता नहीं कौन थी। उनका कमेंट आया था कि उनका कमेंट था जब बाबा है, बाबा वो लोग पूछ रहे थे एल्बम कमेंट का मतलब। एक जना पूछ रहा था कि एल्बम का काम मतलब एल्बम बनाई एल्बम एल्बम और कैमरे वगैरह का पहले ये फोटो लगा है ना एल्बम। अच्छा, फोटो फ्रेम वगैरह का। ताऊ जी का तो कैमरे वगैरह का काम है। और पूछ रहे थे अम्मा की डेथ कैसे हुई थी। अम्मा की ठीक है, बेमा ठीक हो गया, बेरे तो क्या। डायबिटीज वगैरह से हुई थी ना, अम्मा को डायबिटीज वगैरह थी। हाँ, तो अम्मा की डेथ डायबिटीज की वजह से हुई थी। और एल्बम यानी ट्राइपॉड, और वो ट्राइपॉड वगैरह, कैमरा वगैरह, और ऐसी टाइप की फोटो फ्रेम्स। तो ये मतलब होता है एल्बम का काम। फ्रेंड्स, एक कमेंट था सीमा अग्रवाल जी का, वो भी यही पूछे कि ताऊ जी का जयपुर में क्या काम है। ताऊ जी का एल्बम वगैरह का काम है, ट्राइपॉड या फोटो फ्रेम वगैरह का। और एक कमेंट था हरीश कुमार जी का कि ताऊ जी का जयपुर में, सबका लगभग तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है बाबा कि ताऊ जी का जयपुर में क्या काम है, ताऊ जी जयपुर क्यों गए। तो हरीश कुमार जी, आपका जवाब है कि ताऊ जी का एल्बम या फोटो फ्रेम वगैरह का काम है, और वो जयपुर में बिजनेस करते हैं। A few moments later. फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं मम्मी के पास, उनसे पूछे क्या कर, मम्मी क्या कर रहे हो? दूध? क्या हो गया, थकावट हो रही है क्या? बहुत कितनी शॉपिंग कर ली है से आज, सामान तो कुछ ज्यादा ही था। नींद आ रही है, थकावट हो रही है। चलो कल तो नहीं जाना ना? नहीं, थकन नहीं हो रही, बस थोड़ा नींद सी आ रही है, टाइम हो गया ना सोने का। अच्छा, चलो फटाफट से दूध बना दो, फिर मैं एडिटिंग चालू कर रहा हूँ। बाबा के मन में जाके एडिटिंग चालू कर रहा हूँ। चलो ठीक है। One eternity later. So friends, अभी मैं बाबा के कमरे में आ चुका हूँ एडिटिंग करने के लिए। बाबा अभी दूध पी रहे, तो बस चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। 5 minutes later. So एडिटिंग करते करते मम्मी लेके आ गई है मेरा दूध, तो बस पीते दूध पीते पीते करते हैं एडिटिंग। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. फ्रेंड्स, अभी बज चुकी है रात के 10:30, और फाइनली एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के आपने मेरी इस वीडियो में देखा कि आज हमारे घर पे गार्डन वाली बू आई थी, ताई जी भी आई थी मिलने मिलाने के लिए। उसके बाद आप सबकी रिक्वेस्ट, आप सबने, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको वादा करा था कि कमेंट में आप जो बोलोगे, आपको अगले व्लॉग के अंदर आपको मेरे कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा वीडियो में बाबा के थ्रू। तो बस आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन आता है उसको भी आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप पे मेरे वीडियो के नए अपडेट आते रहेंगे। मिलेंगे सुबह जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।